रामनवमी को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच जनरल की मीटिंग एक बार फिर टाउन हॉल में हुई है और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे जनरल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसे हर हाल में पालन किया जाएगा। इसके बावजूद जो जुलूस निकालने की बात आ रही थी, जुलूस निकालने पर जो सस्पेंस बना हुआ था, एक बार पहले भी रामनवमी कमेटी ने बैठक करके कहा था कि जुलूस निकाली जाएगी रामनवमी को, लेकिन फिर से आज बैठक करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि जुलूस नहीं बल्कि उसको यात्रा का नाम दिया गया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, DJ पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। सरकार का भी गाइडलाइन है कि सभी पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है कोरोना वायरस को देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो रामनवमी में एहतियात यह तमाम एहतियात बरतने का निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे, जिसे देखते हुए अब रामनवमी का पूजा जो है वो शहर में भले ही धूमधाम से मनेगा, शहर को दुल्हन की तरह सजाने की बात जनरल ने कही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसके पालन किया जाएगा। और ये कहा गया कि मंगलवार यात्रा से इसकी शुरुआत की जाएगी, यात्रा का नाम दिया जाएगा जो रेड़मा से चलकर महावीर मंदिर तक जाएगा, जिसमें चार लोगों को बताया गया है कि चार लोग इसमें शामिल होंगे और ढोल तरकस बाजा के साथ तमाम लोग उसमें राम भक्त जो हैं चलेंगे और इस तरीके से रामनवमी मनाया जाएगा। मंगलवारी का यात्रा भी निकलेगा और सभी संघ वाले को हमने कहा है कि आप अपने स्थान से निकल करके आप चर-चर व्यक्ति से ज़्यादा एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का भी जरूर उपयोग करेंगे। DJ किसी भी प्रकार का नहीं बजेगा, ये हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है। सरकार का जो गाइडलाइन है उससे हम लोग विपरीत कभी कतई नहीं जाएंगे। और रथ का अभी तक हम लोगों को सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से निकालने का अनुमति नहीं है, हम लोग अभी तक रथ नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन झारखंड के जितने भी महावीर मंडल हैं, हम लोगों ने अभी टेलीफोनिक वार्ता किया है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग समय ले रहे हैं। माननीय अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर हम लोगों को रथ निकालने की अनुमति दे देते हैं तो फिर निश्चित तौर पर हम लोग रथ निकालेंगे, लेकिन इस पूजा में इस शहर को हम लोग दुल्हन की तरह सजाने का काम जरूर करेंगे ताकि लोग देखें। पिछले वर्ष तो लॉकडाउन हो गया था, पूजा जरूर किए थे लेकिन शहर बिजली से सजा नहीं था, सिर्फ झंडा पताका से हम लोग सजाए थे, लेकिन इस बार झंडा पताका के साथ साथ बिजली से भी हम लोग सजाने का काम करेंगे, सभी चौक चौराहा सजाने का काम करेंगे।